नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। योग आध्यात्मिक अभ्यास है जो शांति, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। योग का मानव जीवन में महत्व देखते हुए साल 2015 से पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस साल 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं इस खास दिन पर योग दिवस से जुड़ी कुछ खास जानकारी हमारे इस रिपोर्ट में। देश भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी 2015 से इस दिन की शुरुआत। योगा फॉर ह्यूमैनिटी है इस बार की थीम। भारत समेत दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में लोग इकट्ठा होकर अलग अलग जगह पर योग कर रहे हैं, जिससे योग के प्रति जनमानस में जागरूकता फैल रही है। दरअसल शरीर को निरोगी और फिट रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग से मनुष्य स्वस्थ रहता है और साथ ही फिट रहकर वो लंबे जीवन को प्राप्त करता है। गौरतलब है कि साल 2015 से पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया के कई देश योग के महत्व को समझते हुए योग दिवस को मनाते हैं और योग दिवस पर हर साल नई थीम रखी जाती है, जिसे लेकर लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। आयुष मंत्रालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम चुनी गई है। इसका अर्थ है मानवता के लिए योग। इस थीम को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत साल 2015 में नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। 11 दिसंबर 2014 को इस बात की घोषणा की गई थी कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया। इसके पीछे की वजह ये है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन भी होता है। माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए फायदेमंद है। इसी को देखते हुए योगा दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। शरीर और मन की शांति के लिए योग बहुत जरूरी है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही योग से मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन योग करने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी दूर होती हैं और योग से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से आज पूरा विश्व जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ मना रहा है। आप योग करते रहिए, फिट रहिए और देखते रहिए प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।